बैम्बू स्टिक, कभी इधर लुढ़क रहा है कभी उधर डोको। अगर बारिश हो गया तो हम लोग भीग जाएंगे। और हमारे में इसको बोलते हैं झिकरा। गिरते टी गार्डन की जो मुंशी जी होते हैं वो है। ऐसे मत बोलो भाभी, हमको डर लगता है। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सुष्मिता। हो रहे मॉर्निंग के 7:30 और मैं भाभी और दीदी वगैरह जा रहे जंगल। गुड मॉर्निंग। हाय दीदी, हाय हाय हाय। गला चिताई कोई बड़ी है तो देखा था। ये पूजा के लिए फूल ले रही है। मैं और दीदी हम लोग जा रहे हैं और वहाँ से भाभी लेगी लकड़ी और मैं और दीदी लकड़ी ढूंढ के देंगे उनको। हमारे गांव के भैया की दुकान है और उन्होंने इतना अच्छा क्रेट में बीन्स उगा रखा है। और हमारे यहाँ पे की सब्जी होती है उसको बोलते बी, वो कड़वी होती है। और ये शायद नींबू और इसमें फूल भी लगे है और ये संतरा और यहाँ पे फ्लावर भी उगा रखा है। हमारे यहाँ पे इसको बोलते चुच्चे करेला। जो टी की गाछ होती है उसमें से लकड़ी ले रही है मेरी दी। यहाँ पे लकड़ी का पुल बना रखा है। किसी की डेथ होती है तो लोग उनकी यादों में ऐसे बनाते हैं, मतलब बैठने के लिए, और ऐसे भी बनाते हैं और इसको बोलते हैं चौथारा। और ये है डोको जिस पे हम लकड़ी लेके आते हैं, इसको बोलते हैं लामलो। और हमारे यहाँ पे लकड़ी वगैरह होते हैं वो सर में वो करके लेके आते हैं। मैंने देखा है उत्तराखंड वगैरह में पीठ पे लेके आते हैं। और ये है हाउस, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। ये 12 फीट गहरा है और लंबाई मुझे इसका नहीं पता। तो ये जो पानी है वो ले जाके यहाँ की बिजली बनाया जाता है और आधा टी गार्डन पे भी सप्लाई होता है। जो कि देखना कितना पानी भरा हुआ है। रेगुलर आफ्टरनून में बारिश हो रही है तो जोग बहुत ज्यादा है, सो हमें डर भी लग रहा है। और ऐसे टनल भी बना रखा है यहाँ पे। और मेरी भाभी को जोग लग गया अभी, शुक्र मानो कि मुझे नहीं लगा है। ऐसे मत बोलो भाभी, हमको डर लगता है। और जब जोग खाते हैं वो जल्दी से ठीक नहीं होता। एक तो धुंध, एक तो इतना डरावना सा रास्ता और यहाँ पे पूरा समाधि समाधि है। ऊपर से हम तीनों फट्टू री तोड़ तोड़ के, मतलब ढूंढ ढूंढ के अपनी डोको में डाल रही है। भाई बाबूजी देखा था डोको माले को। और हमारे सामने से आ रहे मुंशी मुंशी बाऊ वो आ गाड़ी। हमें दीदी को दिखाई नहीं दिया। गुड मॉर्निंग मुंशी बाऊ, तो दौरा दी रखना नहीं और बापा ने टेक दे थे। मुंशी बाबू मतलब होता है जो टी गार्डन की जो मुंशी जी होते हैं वो है। हेलो बनीता। हेलो, नमस्ते सबै लाई मेरे दर्शक लाई हो ना। निंगोरो है ये, इसको बोलते ढूंगे निंगोरो। आप सभी ये मत सोचना कि मैं इतना निंगोरो क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी इन्हें यही सब्जियों का सीजन है। इसको ढूंगे निंगोरो इसलिए बोला जाता है, ढूंगा मतलब हमारे में यहाँ होता है पत्थर, वो उसके ऊपर होता है ये वाला निंगोरो, सो इसलिए इसको बोलते हैं ढूंगे निंगोरो। यहाँ पे लकड़ी काट रही है, इतना धुंध है कि वो दिखाई भी नहीं दे रही, थोड़ा पास पास जाके ही दिख रहे लोग। भाभी जो टी गार्डन के अंदर अंदर जाके लकड़ी तोड़ के लेके आ रही है, क्योंकि जब परसों हवा चली थी तो इनमें से टहनियां गिरी होगी, तो भाभी वो सब काट के लेके आ रही है। यहाँ पे टी गार्डन के बीच बीच में ये इतने फूल इतने प्यारे लग रहे हैं, पिंक पिंक कलर के। हमारे में यहाँ पे इसको घंटी फूल भी बोलते हैं और प्याज फूल भी। हल्की हल्की बारिश की बूंदे गिरने लग गई है, पता नहीं, हम तो छाता वगैरह कुछ भी लेके नहीं आए। अगर बारिश हो गया तो हम लोग भीग जाएंगे। हाय, थाके ना नीलू, झिकरा बने ना झिकरा। और हमारे में इसको बोलते हैं झिकरा, जो कि जो चाय पत्ती सूख जाती है फिर खराब होती है तो ये जलाने के काम आते हैं, आग जलाने के। टी गार्डन के बीच बीच में एक सूखा हुआ रुख, हमारे में पेड़ को रुख बोलते हैं। अब हम पहुंचने वाले जंगल। कर रही है मेरी बहन ऊपर चढ़ाई करने को, कह रही जो जोक होगा जोक होगा। और मेरी भाभी पता नहीं क्यों चिल्ला रही है ऊपर से, के पल्लक सरे निंगोरो पुरा रहे से आप अपनी मारे भीड़े में निंगोरो निंगोरो देखा है तमाला ता बांचा वाला। जा रही हूँ इस पत्थर पे चढ़ने के लिए। अब आग किया तो चल दिया। मम्मी काटा ही काटा है।
पूरा चूर चूर हो गया पत्थर पे चढ़ने का बंदी क्या घुसते ही मेरे को लगा जोक। हाँ मेरी भाभी गिर गई। चढ़ सकते हैं पर नीचे उतरना बहुत मुश्किल है। मेरी भाभी गिरी धर्म से। और ये नीचे दूसरी नीचे बैठ के चिल्लाए जा रही है जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। मैंने लकड़ी इकट्ठा किया और भाभी लेके चले। छोड़ दी ना आदम अपन लंच। भाभी लोग का काम था लकड़ी ढूंढ के लेके आना और काटने का काम मेरा। मौके को ना मोबाइल लो भाउजू भारी हाली हाल्यो त तपाईँ त्यो लोप्ने लाभ लाभ त बिलाप हुन्छ अहिले। आमामा यसले चाहिँ कसरी काट्नु। इसको हमारे में भारी बोलते भारी डाल रहे भाभी। आधा इसको सीधा लकड़ी डालते और आधा की बनचा 1300 बन दिनो आधा लम्बा करते हैं ना हैन आधा तो लम्बा आधा चाहिँ 1300 बन दिनो ऐसा करके डालते हैं। फिर अब यहाँ से मेरी भाभी उठाएगी। मैं नीचे रोड पे आ तो गई पर गिरते ओह मम्मी आयु गिरते गिरते पता नहीं मेरी दीदी वगैरह बाबूजी ले लो कहाँ छास ये यहाँ पे ये लोग ये यहाँ पे धुंध की वजह से कुछ नहीं दिख रहा। और अभी 10 बजने वाले हैं और हो गए लेट भूख भी लग रही है। सो अब हम जा रहे हैं घर की ओर। रास्ते रास्ते में ऐसे चौथारा बनाए रहते हैं। मैंने बोला था ये चौथारा जो होता है वो किसी की जिनकी डेथ होती है उनकी याद में बनाए जाते हैं। जब कोई भी थक के आए कहीं से ऐसे भारी लेके तो वो ऐसे रख सके। यहाँ से मैं उठा के लेके जाऊंगी इसको क्योंकि भाभी थक गई है। मेरी भाभी ने जो ये लामलो बोलते हैं इसको वो इतना लंबा कर रखा है कभी इधर लुढ़क रहा है कभी उधर डोको। यहाँ पे मुझे मिला मशरूम। अब ये मशरूम खाने वाला है या नहीं है ये तो मेरे को पता नहीं है पर फिर भी मैं इसको तोड़ के लेके जाऊंगी। पल पे लगा जोक और ये इधर पोकनी घर पहुंच चुके हैं। मुझे मिला था एक मशरूम पर बोला कि इसको खाते नहीं है और मेरी मम्मी जो है वो बारी में काम कर रही है तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा भूख। सो देखते खाने में क्या क्या है। रोटी चटनी फूलगोभी की सब्जी बथुआ साग की सब्जी। दिवाली के टाइम या दशहरी के टाइम पे मैरी गोल्ड और गदावरी बहुत होती है तो उनके लिए मम्मी पॉट भर भर के रख रही है। बुआ भी देख रही मल और बुआ के साथ साथ बुआ की बेटी भी आई है। रामरी रामरी ले आई चलो जुम। ये बुआ की बेटी इसका नाम है रामरी। हमारे में रामरी मतलब होते हैं सुंदर। मम्मी ने मैरी गोल्ड का सीट बना के रखा हुआ है और हमारे में बोलते साई पित्री को बीजन यही मम्मी उगाएगी इन पॉटों में। मेरे घर में मम्मी पापा को फूलों का बहुत ज्यादा शौक है। भाभी की दुकान है तो मैं लेने आई हूँ टमाटर कोई प्याज और प्याज और आलू। प्याज के ऊपर ढेर सारा मुरई है मुरई मुरई और इसको हिंदी में मुरमुरे बोलते हैं। अब मैं जा रही हूँ घर फिर मुझे घर में जाके बनाना है खाना। बाय भाभी। अब मम्मी का काम खत्म हो चुका है। इतने सारे गमले भर दिए। राइस तो दुकान जाने से पहले बिठा दिया था और इसमें दाल। अब जल्दी जल्दी मैं सब्जी बनाऊंगी। बारिश स्टार्ट हो गई है। अब मुझे पता नहीं था कि छत पे कपड़ा है। एकदम फटाफट से कपड़े उठा के आई और एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई यहाँ पर। क्या बनवा लो बनी तो भैया वीडियो। सुबह में वेदर पूरा धुंध था और अब इतनी तेज बारिश स्टार्ट हो गई है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा। और यहाँ पहाड़ों का वेदर का कुछ पता ही नहीं चलता। कभी एकदम से धूप लगती है फिर एकदम से धुंध हो जाती है फिर बारिश स्टार्ट होती है। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट हो चुका है। आगे भी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखे। थैंक यू सो मच। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।